हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज एंड आप सभी लोग का वेलकम है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लकी आरजे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आधार डीबीटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि दोस्तों आधार कार्ड के बहुत सारे नए सर्विसेज को ऐड किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सारे बैंक हैं सभी बैंकों की बैंकिंग सर्विसेज को ऐड किया गया है। मैं आप लोग को आधार डीबीटी पोर्टल के बारे में एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि यह पोर्टल क्या है, इसमें किस तरह के सर्विसेज हैं, लोगों को इससे क्या फायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये डीबीटी क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डीबीटी को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसके अनुसार दोस्तों सरकार के जितने भी सारे स्कीम्स होती हैं चाहे योजनाएं होती हैं वो डायरेक्ट ही दोस्तों लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जाएं। हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। अगर आप सभी लोग एक किसान हो, आप सभी लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड किया, उसका पैसा दोस्तों आप सभी लोग को अकाउंट नंबर के थ्रू यानी कि खाता के थ्रू यानी कि पासबुक के थ्रू आप सभी लोग के अकाउंट में नहीं आएगा। अब उसका जो पैसा है दोस्तों डायरेक्ट ही आधार कार्ड के थ्रू आप सभी लोग के बैंक अकाउंट में आएगा। दोस्तों यहां पे बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या इसीलिए डीबीटी पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, भारत में जितने भी सारे इंडियन सिटीजन हैं सभी लोगों का दोस्तों आधार कार्ड के साथ अपने बैंक अकाउंट का आधार एनपीसीआई यानी कि आधार सीडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए दोस्तों डीबीटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आधार एनपीसीआई लिंक से रिलेटेड काफी सारे नए सर्विसेज को ऐड किया गया है, जो कि दोस्तों आप सभी लोग घर बैठे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को डीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी पोर्टल में काफी सारे नए ऑप्शंस को ऐड किया गया है आधार कार्ड से रिलेटेड, जिसमें कि दोस्तों काफी सारे नए सर्विसेज को ऐड किया गया है, जो कि दोस्तों जितने भी सामान्य व्यक्ति है या इंडिविजुअल मैन है उन लोगों के लिए दोस्तों काफी ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। डीबीटी पोर्टल की जो सामान्य सर्विसेज हैं चलिए पहले उसको जान लेते हैं, इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि पोर्टल में जो आधार की नई सर्विसेज को ऐड किया गया है उसको किस प्रकार से आप सभी लोग को करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन का, तो आप सभी लोग को सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं फार्मर के रिलेटेड जितने भी सारे सर्विसेज हैं सारे सर्विसेज दी गई है, साथ ही साथ स्टूडेंट की जितने भी सारे सर्विसेज होते हैं जैसे स्कॉलरशिप वगैरह वे सारे सर्विसेज दी गई हैं, एंड चाइल्ड के बारे में जितने भी सारे सर्विसेज होते हैं वे सारे सर्विसेज दी गई हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग फॉर एग्जांपल फार्मर की सर्विसेज करना चाहते हैं तो फार्मर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फार्मर से रिलेटेड जितने भी सारे स्कीम्स बनाई गई हैं, जिसमें कि दोस्तों फार्मर को काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं या पैसे मिलते हैं, जितने भी स्कीम्स है सारे स्कीम्स की लिस्ट यहाँ पे आप सभी लोग को देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे पॉपुलर जो स्कीम्स है फार्मरों से रिलेटेड वो है पीएम किसान, उसकी भी सर्विस आप सभी लोग यहां से कर सकते हो। ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर का, तो आप सभी लोग क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करो, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यहां पे देख सकते हैं न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन की फॉर्म ओपन हो चुकी है, आधार कार्ड नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, स्टेट का नेम यहाँ से सेलेक्ट करोगे, कैप्चर डालोगे, गेट ओटीपी करोगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करोगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जितने भी सारे सर्विसेज हैं सारे सर्विसेज को आप सभी लोग कर सकते हो। उसी तरह दोस्तों फार्मर्स रिलेटेड जितने भी सारे स्कीम्स आते हैं जिसका फायदा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू लोगों को दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है, या सारी स्कीम्स की लिस्ट यहाँ पे आप सभी लोग के कैटेगरी के वाइज आ जाएगी, आप सारे सर्विसेज को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के कैटेगरीज बनाए गए हैं डीबीटी पोर्टल में, जिसमें कि दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के वाइज आप सभी लोग सर्विसेज को कर सकते हो। डीबीटी का मेन जो मोटिव है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि दोस्तों भारत में जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन दोस्तों भारत में जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोगों का बैंक पासबुक बना हुआ नहीं है, इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा लाई गई है, ताकि आधार कार्ड के थ्रू लोगों को पैसे मिल सके। अब दोस्तों कहीं भी अगर किसी भी स्कीम्स में आप सभी लोग अपना आधार कार्ड नंबर डालते हो दोस्तों आप सभी लोग को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि उस स्कीम से आप सभी लोग का जो पैसा है वो आप सभी लोग के अकाउंट पे कैसे आएगा। डीबीटी की शुरुआत की गई है, जिसमें कि दोस्तों अब भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी लोगों का आधार कार्ड के थ्रू ही उन लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे को सेंड कर दिया जाता है। अकाउंट नंबर से गवर्नमेंट के थ्रू किसी भी योजनाओं या किसी भी स्कीम्स का पैसा सेंड नहीं किया जाता है। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, जिस कारण दोस्तों डीबीटी के माध्यम से उन लोगों को गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसका लाभ नहीं मिल पाता है। एनपीसीआई किस प्रकार से लिंक करोगे, डीबीटी किस प्रकार से लिंक करोगी, इसकी सारी जानकारी आप सभी लोग ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डॉक्यूमेंट का,
यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है आधार UIDAI का, तो आप सभी लोग एक बार इस पर क्लिक करोगे EVT पोर्टल में देख सकते हैं आधार UIDAI की इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं जो कि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू लॉन्च की गई है। सबसे पहला ऑप्शन आप सभी लोग को देखना होगा सिटीजन कॉर्नर में, आप सभी लोग एक बार इस पर आओगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग को चेक करना है कि आप सभी लोग का जो बैंक अकाउंट है या आप सभी लोग का जो आधार कार्ड में आधार NPCI लिंक है या नहीं है। उसके लिए ऑप्शन दिया गया है सिटीजन बैंक अकाउंट्स आधार लिंकिंग स्टेटस, तो आप सभी लोग को सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप सभी लोग को आधार कार्ड का नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सभी लोग को आ जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा लिंक किया हुआ है। यानी कि दोस्तों किसी भी स्कीम्स में अगर मैं आवेदन करूंगा, मैं अपना आधार कार्ड नंबर दूंगा, अगर उस स्कीम्स में मुझे कोई भी पैसे मिलने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो दोस्तों अगर मैं आधार कार्ड नंबर अपना डालूंगा तो मुझे डायरेक्ट ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो मेरा अकाउंट है, जो मेरा पासबुक है, उसमें डायरेक्ट ही वो मेरे पैसे सेंड कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग को चेक कर लेना है कि आप सभी लोग के आधार कार्ड में NPCI लिंक है या नहीं है। दोस्तों आप सभी लोग का लिंक है तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग को ये सारे सर्विसेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सभी लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर दोस्तों आप सभी लोग का लिंक नहीं है तो यहां पे दोस्तों आप सभी लोग को देख सकते हैं ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आधार सेटिंग ऑन NPCI मैपर का, तो आप सभी लोग को एक बार इस पर क्लिक कर देना है, वो पूरा फिलअप कर देना है। इसमें आप सभी लोग का बेसिक सी डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप लोग का नाम, आप लोग का अकाउंट नंबर, आप लोग का पैन कार्ड नंबर, आप लोग का आधार कार्ड नंबर, आप सभी लोग का सिग्नेचर, ये सारे फॉर्म को ले जाना है, आप लोग को अपना आधार कार्ड इसमें अटैच कर देना है, एंड जो भी आप सभी लोग का ब्रांच है, जो भी आप सभी लोग का बैंक है, उसमें जाके आप सभी लोग को जमा कर देना है, जिसमें कि दोस्तों आप लोग का आधार NPCI यानी कि आधार सेटिंग हो जाएगा। EVT पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये बताया भी गया है कि बहुत ही जल्द DBT पोर्टल में ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि दोस्तों अब आप सभी लोग घर बैठे बहुत ही आसानी से आधार सीडिंग यानी कि आधार NPCI को लिंक कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के साथ। लेकिन दोस्तों मैंने DBT पोर्टल में बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने बहुत सारे लिंक्स को ओपन किए हुए हैं, हालांकि दोस्तों जितने भी लिंक्स या जितने भी सर्विसेज यहाँ पे दी गई है सारे नए हैं, मुझे अभी तक ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। दोस्तों एक या दो दिन के बाद वो ऑनलाइन का ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा, जिसके रिलेटेड मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल कोई भी नया ऑप्शन अभी तक ऐड नहीं किया गया है। ये पोर्टल में कौन कौन से नए सर्विसेज ऐड किए गए हैं आधार से रिलेटेड, वे सारे सर्विसेज मैंने आप सभी लोग को बता दी, DBT क्या है इसके बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया। आशा करता हूँ इस वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं दोस्तों और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।